और ये इंडी गठबंधन वाले अगर वो सांसद बनता है तो उसके पास क्या काम होगा, उसकी पार्टी उसको क्या काम देगी, उसका यही एक मापदंड होगा कि तुमने मोदी को एक दिन में कितनी गालियां दी, तुमने मोदी को कितनी बड़ी गाली दी, क्या तुम्हारी गाली में कोई ताकत थी क्या ताकि मोदी परेशान हो जाए। अगर आपने इंडी गठबंधन के सांसद को चुना तो उसको यही काम होगा, सुबह उठो मोदी को गाली दो, दोपहर में दो गाली दो, शाम को चार से और डाल दो और फिर सो जाओ। आप मुझे बताइए भाई, आपको अपने घर में अगर किसी सहायक की जरूरत पड़ती हो, आपके दुकान में आपके व्यापार में, तो आप उसको लेंगे और कहेंगे भाई ये 10 काम करने हैं तुमको, तुम्हें इतना तनख्वाह मिलेगा, मेरे ये काम तुझे पूरे करने हैं। कोई ऐसा आदमी रखेगा कि भाई तुमको मेरी दुकान के बाहर खड़े रहना है और सामने वाले को बस गाली देते रहना है, इसके लिए कोई तनख्वाह देगा क्या, इसके लिए कोई किसी को रखेगा क्या, कोई समझदार आदमी ऐसा करेगा क्या? क्या गाली देने के लिए हम किसी को रखते हैं क्या? तो गाली देने वालों की जरूरत क्या है भाई? आपको तो काम करने वाले सांसद चाहिए, आपका भला करने वाले सांसद चाहिए। 5 साल मोदी को गाली देने वाले नहीं, क्षेत्र का विकास करने वाले सांसद चाहिए, और इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है, ओनली कमल। और इसलिए बाराबंकी से बहन राजरानी रावत जी और मोहनलालगंज से भाई कौशल किशोर जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। साथियों, जब देश में दमदार सरकार होती है तो फर्क भी साफ साफ दिखता है। कमजोर सरकार का क्या है, आज है।